बड़वानी के जुलवानिया थाना क्षेत्र में विवाहित महिला को 3 लाख में बेचने का मामला सामने आया है। पति की शिकायत पर पुलिस ने खरीदने और खींचने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। नागलवाड़ी निवासी पीड़िता ने जुलवानिया निवासी दो रिश्तेदारों पर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने के बाद राजगढ़ से युवकों को बेच दिया गया। राजगढ़ के युवकों को महिला को बेचा गया। महिला ने अपने पास छुपा रखे मोबाइल से पति को सूचना दी, जिसके बाद महिला को वापस लाया गया। फिलहाल पुलिस की एक टीम आरोपियों की तलाश में ब्यावरा भेजी गई है। नांगलवाड़ी से जुलवाने बुलाए तो बना के तेरे से काम है, तू जरा दे राजा जुलवाने करके। गाड़ी में मोटरसाइकिल से गए, चाय पिलाए, वहाँ से चाय पिला के मेरे को कई सूद दिन नहीं रहे। फिर मेरे को वहाँ राजगढ़ ब्यावरा तक मेरे को सूद दिन नहीं रहे। फिर मैं वहाँ जाके पूछी, तुम मेरे को यहाँ क्यों लाए? जैसे बोले कि तेरे को बेच दी। बोले वहाँ से मैं मेरा आदमी फोन लगाए कि मैं ऐसे मुसीबत में हूँ, तू किसी भी हालत से मेरे को आके यहाँ से ले जा। न मेरे पास मोबाइल था, मैंने छुपा के रखी, चालू करती चोरी से बात कर लेती, वापस मोबाइल बंद कर लेती मैं। मेरे को दूसरे मेरी घरवाली ने फोन लगाया कि तुम मेरे को किसी भी हालत में आ न ले जा। फिर मैं गया राजगढ़ ब्यावरा, मैं मेरा भतीजा दो भतीजे मेरे जियाजी में गया और वहाँ जाके मेरी औरत को लेके आया। हाँ, कल 29/7/2021 को 27 साल निवासी मावड़ा फरिया नागलवाड़ी ने रिपोर्ट थाना जुलवानिया पे किया कि मुझे 3 लाख रुपए में ब्यावरा बेच दिया था और मुझे वहाँ दे दी थी। मैं वहाँ टेलीफोन करके छूट कर आई और रिपोर्ट की, जिसमें से महिला का बेचने का मामला सामने आया। उसमें अपराध का मांग 248/21 धारा 370, 363, 328, 342, 34 माधवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया, अनुसंधान किया जा रहा। उसमें 3-4 आरोपी को राउंड अप कर लिया है। पार्टी ब्यावरा के लिए रवाना हो गई।